कितना हुआ? हाँ, 15 रुपए। अच्छा ये लो। क्या है मालिक? अरे तू कहाँ चला गया था? देखने रहा दुकान में कितनी भीड़ है, इन लोगों को चाय कौन देगा? जा जल्दी चाय। भाई साहब जरा एक बात बताइए। ठीक है देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर पहले पुलिस वाले आए थे। हाँ आए थे और आकर चले भी गए। क्यों, कोई शेर आने वाला है क्या? सदैव आने वाला है। वही शेर, इसलिए ये इंतजार कर रहे हैं। ये लोग कौन है, किस काम से आए हैं? अरे ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये मेरे जान पहचान वाले हैं। इनका एक इकलौता बेटा है। इन लोगों ने लोन फाइनेंस कंपनी से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे और फिर इन्होंने वो पैसा भर भी दिया था। उन लोगों ने धोखा दिया। अभी 2 दिन पहले सहदेव आके मेरे बेटे को उठा के लेके चला गया। बोल रहा है कि पूरा पैसा भरोगे तभी तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा। कौन था? फाइनेंस वाला सहदेव, उनसे मिला हुआ है। आपको जाकर उस एसआई से बात करनी चाहिए ना। उसने धमकी दी है कि बड़े ऑफिसर से बात करूंगा तो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब कहने से क्या फायदा है, उस फाइनेंसर का अच्छा बैकग्राउंड है। हम गरीब लोग आखिर करें भी तो क्या करें। लेकिन कोर्ट में तो जा सकते हैं। केस करने से कोई फायदा नहीं। फाइनेंस वाला इसके बेटे को नहीं लेकर गया है, एक पुलिस वाला उठा कर लेकर गया है। इसमें कुछ तो चाल जरूर है और कोर्ट को तो सबूत चाहिए ना। सकते हैं ऐसी मेरी सोच है। पर कैसे? पिताजी सब जानते हैं कि इस केस का क्या होगा। बशीर कहाँ है ये कोई नहीं जानता। उसे जेल से भगाने में सर का हाथ है, इस बात का मुझे पक्का यकीन है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक रास्ता तो है। थोड़ो पुजा में एक एडवोकेट सुकुमार रहते हैं। हाँ। उनका एक जूनियर है मैथ्यू, आप उनसे जाकर मिलिए। हाँ। मेरी पहचान वाला है वो। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो जाकर उसे बताइए, मैं भी उनसे बात करता हूँ। जॉर्ज भाई केस करने से क्या फायदा? ये कोई साधारण केस नहीं है भाई साहब, हेबियस कॉर्पस है ये। मान लीजिए कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो उसके माता पिता उसको वापस लाने के लिए जो केस करते हैं उसी तरह का केस है ये। हाँ? मतलब इसके बेटे को कहीं छुपाया गया है और इस अन्याय के खिलाफ अगर इन्हें आवाज उठानी है तो इन्हें हेबियस कॉर्पस के थ्रू ही जाना होगा। हाँ? जब ये केस दायर हो जाएगा तो पुलिस को किसी भी हालत में उस लड़के को कोर्ट के सामने लाकर हाजिर करना होगा। ऐसे समय पर वहाँ पर किसी की नहीं चलेगी और पुलिस को किसी भी हालत में उन्हें जवाब देना ही होगा। ये तो हम नहीं जानते। मेरा तो बस यही सोचना है कि केस करके कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग इस केस को सीधे एडवोकेट सुकुमार को सौंप दीजिए और जब वो हेबियस कॉर्पस के जरिए कोर्ट में अपनी अपील दर्ज करवाएगा तो उसे छूटना ही छूटना है। तो देखो अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सुनिए सहदेव सर आ रहे हैं। है? तुम लोग अगर यहाँ रहोगे तो वो मुझे भी तंग करेगा और तुमसे भी पैसा वसूल करेगा। जाओ अंदर जाकर छुप जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। चलो सुनो, यहाँ सफेद धोती वाला कोई आया था? नहीं तो नहीं, कहाँ गया होगा वो? ए रघु, आज के स्पेशल क्या है? आज कुछ भी स्पेशल नहीं है, जो रहता है वही है। ओ ठीक है, मसाला डोसा लेकर आना, हमेशा यहाँ इडली डोसा ही मिलता है। अरे कभी कुछ स्पेशल भी बनाया करो ना। अब क्या बताऊँ साहब, स्पेशल आइटम बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। हाँ वो तो चाहिए, इसीलिए तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर 10,000 मिले तो शायद हम कुछ कर सकते हैं, वरना तो मजबूर है। अजीब आदमी है। ये बताओ वो पैसे मैं नहीं दे सकता क्या? क्या बताऊं साहब, मैं जैसे तैसे सामान यहाँ से वहाँ उठा के होटल चला रहा हूँ। सर आप तो पुलिस वाले हो, मेरा भी उधार चुका दो ना, एक साथ नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके ही दे दो। सोचिए ना, हम जैसे तैसे करके जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ पुलिस वाले ही उधार करते हैं? जॉर्ज भी तो उधार करता है, उसका उधार उधार नहीं है? मैं भी उधार लेता हूँ लेकिन बहुत जल्दी उसे चुका भी देता हूँ। ठीक है बताओ कितना बाकी है मेरा, मैं तुम्हें जल्दी ही दे दूंगा। अरे नहीं साहब, थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो भी चलेगा। अरे आप डर क्यों रहे हैं भला, वो जितना दे रहे उतने पैसे तो ले लो, वरना बाद में वो भी नहीं मिलेगा। हेलो हेलो हेलो, हमारे बीच में टांग मत अड़ाओ, हम दोनों का हिसाब है हम कर लेंगे। बड़ा आया बीच में बोलने वाले। चलो बताओ कितना बाकी है? कुल मिला के 14,500 हो गए हैं साहब। अरे रे रे, काफी हो गया, मैं तुम्हें एक साथ ही देता हूँ। चलो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा करो तुम इसे मेरे कमीशन से काट लो। हाँ? अब तो मेरी उधारी खत्म। कैसा कमीशन साहब? कैसा कमीशन? अरे मेरे भाई, हमारा पुलिस स्टेशन पुराना हो चुका है, नया स्टेशन बनाने का ऑर्डर भी सरकार से मिल चुका है। अभी वहां पर नया पुलिस स्टेशन बनाएंगे जिसमें काफी मजदूर काम करेंगे, जिनसे मैं ये कहूंगा कि वो सारे लोग खाना तुम्हारे यहाँ खाएं, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी और उसमें होगा मेरा कमीशन। और हाँ, ये एक दो महीने का काम नहीं है,
पूरे 14 महीने काम चलेगा, और सच कहूं तो उस हिसाब से मेरा कमीशन बहुत कम है। तो फिर हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा तो एडजस्ट करना ही होगा। तो ये है हमारी पुलिस। क्या हुआ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक पुलिस वाले होकर एक गरीब के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, ये आपको सही लग रहा है? यहाँ दूर दूर तक इस इलाके में कोई और होटल नहीं है, वहाँ पर जो भी काम करने आएगा वो यहीं पर आकर अपना खाना खाएगा, इसे आप अपना बिजनेस बना रहे हैं, ये बात गलत है। देखो, यहाँ कोई खाना खाने नहीं आएगा, अगर हम पुलिस वाले अपनी भाषा में समझाएं तो। लगता है सहदेव के बारे में नहीं पता इन्हें। अरे भाई साहब, एक कड़क चाय दो। ए, जल्दी से कड़क चाय लेके आ। हाँ जॉर्ज कुटी, कोई खास बात? कुछ खास नहीं सर, हम तो बस ऐसे जिंदगी बिता रहे हैं। सर सुना है यहाँ नया पुलिस स्टेशन बनने वाला है? हाँ भाई साहब की कमाई होगी। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले ही कमीशन ले लिया। कमीशन किसने ले लिया? ठीक है, साधारण पुलिस और जनमैत्री पुलिस में क्या अंतर है तुम नहीं जानते हो क्या? आज तो पेपर में भी आया है। बड़ा बड़ा फेंकने वाले के पास पेपर पढ़ने का टाइम कहाँ? अरे मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ साहब, पेपर पढ़ने में इसलिए रुचि नहीं रखता क्योंकि उसमें सिर्फ बकवास लिखा होता है। बिल्कुल सही कहा, कोई भी पेपर पढ़ लो उसमें डकैती हत्या के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। जनमैत्री पुलिस नाम की नई पुलिस टीम बनाई गई है जिसमें क्राइम रोकने में पब्लिक पुलिस की मदद करेगी। अगर सच कहूँ तो पुलिस को लोगों के मदद की बहुत जरूरत है। ये अपनी आंकड़ा है। ऐसा हमारे देश में नहीं चल सकता साहब, हमें तो पुलिस क्रिमिनल ही समझती आई है हमेशा से। अरे कुछ पुलिस वाले ऐसा समझते हैं। हाँ ये तो ठीक है, तो ऐसा सोचे तब तो, यहाँ तो कुछ पुलिस वाले ही क्रिमिनल्स हैं। मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ साहब, मेरी नजर में तो पुलिस वालों को लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ। पुलिस स्टेशन जाने पर हम जैसे लोगों की वहाँ पर इज्जत होनी चाहिए, लेकिन हाँ। यहाँ पर हो क्या रहा है, बिना कोई गलती किए पुलिस वाले लोगों को डराकर पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। हाँ जॉर्ज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जनमैत्री पुलिस टीम बनाई गई है।